जम्मू कश्मीर में जहां बड़ी सत्ता पलट देखने को मिली है, जहां एनसी के दो बड़े नेताओं ने कल पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद एनसी को बड़ा झटका लगा। और साथ ही साथ आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता को भी जिस तरह से ये फेरबदल देखने को मिला है, इस पर एक तरह से बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कारण रहा होगा जहां पर एनसी के बड़े नेताओं को इस तरह से बड़ा कदम जो है उठाना पड़ा है। जहां पर बात करते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया और साथ ही साथ देवेंद्र रैना की, कल जो है ये दिल्ली के लिए एक तरह से रवाना हुए हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आज बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके जो है देवेंद्र रैना और साथ ही साथ फॉर्मर मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया जो है आज दिल्ली के लिए जो है वो कल से निकल चुके हैं। और आज दिल्ली में जाकर जो है क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों बड़े नेता जो हैं ये ज्वाइन करने वाले हैं, इस पर भी जो है एक तरह से काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। वहीं पर जहां सत्ता पलट की बात करते हैं उसका भी एक तरह से जो नजारा यहां पर देखने को मिला है उसमें हर एक व्यक्ति जो है आज अपना एक तरह से पक्ष रख रहा है। हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर भी ये बड़ी बात जो है पूरी तरह से फैली हुई है और हर शख्स इस पर अपनी एक तरह से बात रखने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इसी के साथ जहां पर ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति की बात करते हैं उस पे और इसी पर अब क्या कुछ आगे हो सकता है, किस तरह की और अटकलें लगाई जा रही है, इसी पर हम तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सत्ता की जो एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला है, इसी के साथ जहां पर एनसी के दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया और आज ये भी कहा जा रहा है कि आज 11 तारीख को जिस तरह से दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रखा गया है, क्या लगता है आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये कार्यक्रम रखा गया है इसमें ये दोनों बड़े नेता जो है ये आज पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रस्तावित समय के मुताबिक 11:30 बजे तक मीटिंग चलनी थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोग्राम हो सकता है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को तलब किया है और साथ साथ देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया वहाँ पहुँचे हैं, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि आज ही ज्वाइनिंग होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस लिहाज से भाजपा के बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें संगठन महामंत्री अशोक कोल भी मौजूद हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल की बात करें, जुगल एमपी हैं, सांसद हैं जुगल शर्मा, वो भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। दो फार्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहे या फार्मर कविंद्र गुप्ता और साथ साथ में डॉक्टर निर्मल सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जब इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, इन लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो इनका कद भी बढ़ेगा और पार्टी का एक मैसेज आएगा कि इनको सम्मान पूर्वक तरीके से पार्टी में शामिल करवाया गया है। जी जी, और इसी के साथ जहां पर हम लोग ने ये भी देखा है कि एनसी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन विनोद जी यहां पर क्या लगता है एनसी को अब किस तरह के खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं, किस तरह का नुकसान जो है अब इस पार्टी को हो सकता है? देखिए, जम्मू प्रोविंस में एनसी के ये दो बड़े प्रोमिनेंट फेसेस थे। अगर हम बात करेंगे देवेंद्र सिंह राणा की, तो वो जम्मू प्रोविंस के अध्यक्ष रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा वो चीफ मिनिस्टर, जब एनसी की गवर्नमेंट थी, सीएम के एडवाइज़र रहे हैं। और साथ ही साथ सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करें तो उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, हालांकि देवेंद्र सिंह राणा के भी अब्दुल्ला फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन सुरजीत सिंह सलाथिया भी एनसी की टिकट पर जीत के आए और साथ ही साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक फेस रहे हैं वो। अगर दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ेगा।
बिल्कुल, और साथ ही साथ विनोद जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये सत्ता पलटी है, एक बड़ा उदाहरण सत्ता पलट का देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ जहां पर पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं, वो दिन भी अभी भूले नहीं हैं जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जाती थी। महंगाई का दौर बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई की ओर जा रही है, इस पर भी काफ़ी सवाल उठते थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है नेताओं ने थामा है, यहाँ पर आम जनता को भी अब ये लग रहा है कि क्या यही राजनीति है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी राजभवन के बाहर रजनी पाटिल, जो जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी है कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, और ऐसे पहले भी होते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनका राजनीतिक भविष्य है, और ख़ासतौर पर अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले उन्हें कहा था कि जम्मू डिक्लेरेशन या जम्मू के जो पक्षपात जम्मू के साथ होता रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के साथ पक्षपात ना हो, इसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल भविष्य या फिर जम्मू की भावनाओं को अगर हमने बचाना है, जम्मू के हितों को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व लहराने में एक तरह से कामयाब हो रही है, जहाँ पर तमाम बड़े नेताओं जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अभी आने वाले दिनों में जब 23 से 25 तक का अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका विजिट होगा, उस विजिट के दौरान भी कोई और बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें पार्टी का कद बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कद बड़ा है। जैसे जैसे बड़े नेता शामिल होते जाते हैं, जैसे कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता है उन्होंने ज्वाइन की, और बहुत सारे बड़े नेता ने, उनकी बड़ी लंबी सी फहरिस्त है। जैसे जैसे बड़े लोग ज्वाइन करते हैं तो पार्टी का कद भी बढ़ता है और उनका कद भी बढ़ता है। बिल्कुल, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह के फायदे हो सकते हैं अगर आज ये दोनों जो है बड़े नेता जो हैं ये अगर आज पार्टी का दामन थामते हैं तो? देखिए मैंने, जैसे मैंने कहा कि ये अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर रह चुके हैं और साथ साथ जीते भी हैं नगरोटा से जी। वो अगर आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनका अपना कैडर भी होगा, पार्टी का कैडर भी होगा, उनका अपना असर रसूख भी होगा। दूसरे अगर सुरजीत सिंह सलाथिया के पास चले जाए, वो सुरजीत सिंह सलाथिया ने विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा विकास किया है, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है, तो जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ शामिल होंगे, तो भाजपा को इसका जरूर फायदा मिलेगा, भाजपा का कैडर और मजबूत होगा। बिल्कुल, बड़ा बदलाव जो है ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये कहा गया है कि आज जो है, आज 11 तारीख को ये बड़े नेता जो है, जहां पर देवेंद्र सिंह रैना की बात करें या फिर सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करें, जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और इसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर एनसी की बात करें, एक बड़ा फेरबदल जो है वो जरूर जम्मू कश्मीर की राजनीति में देखने को मिल रहा है।